गढ़वाल का फुटबॉल टूर्नामेंट आज से पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार राजकीय स्टेडियम कोटद्वार में शुरू हो गया है। दिल्ली, हरियाणा, रुड़की, पंजाब, गढ़वाल राइफल्स, गोरखा रेजिमेंट सहित 10 टीम टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास के लिए भी जरूरी है, इसलिए खेलों को हमेशा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। खेल होने चाहिए, खेल बहुत आवश्यक है जीवन में। अगर खेल ना हो तो पूरी फिजिकली फिट होना, मेंटली फिट होना बहुत कठिन है। खेल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जहाँ फिजिकली और मेंटली हम फिट रहते हैं, लोगों के बीच में कैसे रहना है, हार और जीत से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम खेल से सीख सकते हैं। इसलिए जीवन में खेलना बहुत आवश्यक। राज्य आंदोलनकारी और कोटद्वार नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके स्वर्गीय शशिधर भट्ट की स्मृति में गढ़वाल फुटबॉल कप का आयोजन किया जाता है। हालांकि कोरोना के चलते इसका आयोजन प्रभावित हुआ। टूर्नामेंट समिति के अध्यक्ष अरुण भट्ट का कहना है कि अब एक बार फिर पूरी ऊर्जा और जोश के साथ खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। स्वर्गीय शशिधर भट्ट जी की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में ये टूर्नामेंट हम लोगों ने 2017 से प्रारंभ किया, लेकिन बीच में 2 साल कोरोना के कारण ये टूर्नामेंट नहीं हो पाया। और पिछले साल भी फिर हम जैसे ही शुरुआत करी तो फिर ये लगा कि कोरोना फिर फैल रहा है, तो प्रशासन ने कहा कि नहीं, हम कोई बीच में अनुमति नहीं देंगे, तो इससे बढ़िया है कि आप इसको रोक दें। तो हमने पिछले साल भी नहीं किया, इस साल किया है। इस टूर्नामेंट की इनामी राशि जो प्रथम जो विजेता है उनके लिए 1 लाख रुपये है, जो उप विजेता रहेगा वो उसके लिए 51,000 रुपए, जो बेस्ट प्लेयर होगा उसके लिए 5,100 रुपए है। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 7 जनवरी को खेला जाएगा।